आओ बच्चों, आज की गतिविधि में कुछ ढूंढें। एक पेज लो, उस पर एक बड़ा सा कैपिटल ए बनाओ। कैपिटल ए में ऊपर बने त्रिभुज को कैंची से काट लो। इस त्रिभुज के तीनों कोणों को ध्यान से देखो। क्या किसी भी कोण की भुजाएं एक दूसरे पर सीधी खड़ी है? ये देखिए, ये तीन कोण हैं। इन तीनों कोणों की भुजाएं देखें, क्या ये सीधी खड़ी है? ये भी नहीं और ये भी नहीं। क्या कहा? नहीं। इसका मतलब इस त्रिभुज में कोई भी कोण समकोण नहीं है। तो चलो बच्चों, अब ये देखते हैं कि क्या किसी भी कोण की भुजा एक दूसरे पर झुकी हुई है। इसकी भी, हाँ ये ऐसे झुकी हुई है, ये इस पर झुकी हुई है, और ऐसे ही इस कोण की भी ये भुजाएं इस पर झुकी हुई हैं। यानी इस त्रिभुज की तीनों कोणों की रेखाएं एक दूसरे पर झुकी हुई हैं। तो इसका मतलब तीनों कोण 90 डिग्री से कम के हैं। तो ऐसे त्रिभुज को हम न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जैसे हैंगर। अन्य उदाहरण अपने आसपास आप ढूंढिए और लिखिए।